दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन को आपको संतुलित रखना है या फिर आपको बैलेंस रखना है तो शरीर का भी स्वस्थ होना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हमारे शरीर में जब भी किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तब हमारे मन की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, राइट? तो इसका यही मतलब है कि हमारा सीधा संबंध है हमारे मन के साथ, हमारे शरीर के साथ। सपोज़ कि आपको बुखार आया है या फिर आपको थोड़ा सा हेडेक है या फिर आपके सिर में दर्द होता है या फिर आपको बॉडी में पेन है, तो आपको क्या होता है कि गुस्सा आता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर अगर ठीक नहीं है तो आपका मन का भी वो अपनी स्थिति को भी चेंज करने पर मजबूर कर देता है। तो देखा दोस्तों कि आपके शरीर और आपके मन का किस तरह से डायरेक्ट संबंध है। और अगर हम शरीर से पीड़ित है या फिर हमारा शरीर अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छी स्माइल भी नहीं कर सकते, उसका इतना इफ़ेक्ट आता है हमारे मन के ऊपर कि हम अच्छी तरह से वो स्माइल भी नहीं कर पाते और हम खुश भी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ पेन रहता है। तो उसकी वजह से हमारा शरीर में भी बहुत सारी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है या फिर हमारा मन ठीक नहीं है तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे बनाए रखें या फिर उसको कैसे हेल्दी बनाए रखें। तो दोस्तों, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है और एक ये आसन ऐसा है कि ये आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों को संतुलन बनाने के लिए आपको डेफिनेटली काम आएगा। और ये आसन डेफिनेटली ये बच्चों के लिए काम आता है, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी मन की स्थिति को कंट्रोल में नहीं रख पाते, उन सारे लोगों के लिए ये आसन बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और आखिर तक ये वीडियो को देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई योगा सीरीज़ के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक आसन की जहां पर आपके माइंड को और आपकी बॉडी को दोनों को बैलेंस करने के लिए ये पोज आपको बहुत ही अच्छी तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। और ये आसन हमारी योग सीरीज़ का 13वां नंबर का यानी कि 13th नंबर का आसन है। और आगे के अगर मेरे 12 आसन आपको देखने हैं तो अलग अलग मेरी योगा चैनल के ऊपर आपको दिख जाएंगे। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे आसन आप सीक्वेंस में वन बाय वन आप मेरी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारे आसन आप सीख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जो आसन सीखने वाले हैं उस आसन का नाम है वृक्षासन। इसको ट्री पोज भी कहते हैं और ये बैलेंसिंग पोज के श्रेणी में आता है। यहाँ पर कि जहाँ पर हमारे खुद की जो बॉडी है उसको अलग अलग तरीके से बैलेंस करने के लिए ये आसन का समावेश किया जाता है। तो आपको बैलेंस बढ़ाना है या फिर आपको पूरी बॉडी को और ज़्यादा तंदुरुस्त रखना है तो डेफिनेटली ये आसन आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये आसन खड़े रहकर किया जाता है तो आपके शरीर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर जो मसल्स का जो पावर है स्ट्रेंथनिंग और भी बढ़ेगा और ये आसन बहुत ही अच्छा आपको काम आएगा आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो आइए सीखते हैं वृक्षासन किस तरह से किया जा सकता है, वृक्षासन कौन कर सकता है, वृक्षासन करने के आपके बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होंगे, वृक्षासन कौन नहीं कर सकता, वृक्षासन को कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम ये वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और आइए सीखते हैं वृक्षासन को कैसे किया जा सकता है। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है।
वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। तो देखा दोस्तों, वृक्षासन को किस तरह से किया जा सकता है। आपने देखा आगे वाले वीडियो में कि वृक्षासन को कैसे करते हैं, वृक्षासन के आपको आपके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर वो करेंगे तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे, वो शरीर के साथ आपकी मानसिक स्थिति को भी और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये वृक्षासन आपको काम आता है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ये वीडियो के साथ जुड़ेंगे नए साथी। और जैसे जैसे आप ये आसन करेंगे आपका हेल्थ भी और इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम फिट रहेंगे तो भी इंडिया फिट रहेगा और इंडिया फिट रहेगा तो हमारा एक अच्छा सा नाम होगा पूरे दुनिया के अंदर। और ये आसन हमारी योगा सीक्वेंस के अंदर है और ये आने वाले जो अपना योगा प्रोटोकॉल है या फिर 21 जून को हम जो योगा डे मनाते हैं उसी के अंदर ये आता है, योगा प्रोटोकॉल के अंदर भी आता है। तो आप प्लीज़ ये प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही अच्छा आपको काम आएगा। तो तब तक के लिए बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड नमस्कार। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।